जो ये हमारी प्रेस वार्ता है, इसका संदर्भ जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी एक जो मुहिम है इसके संदर्भ में है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ये कार्रवाई है ड्रग्स के खिलाफ, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, इनके खिलाफ जो पिट एनटीपीएस की कार्रवाई है वो सतत जारी है और लगातार चल रही है। इसी कड़ी में, इसी श्रृंखला में जम्मू पुलिस ने करीब करीब 33 करोड़ रुपए की हीरोइन जो है वो आज जम्मू बस स्टैंड के इलाके से बरामद की है। जम्मू बस स्टैंड को एक सूचना मिली कि दो संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में एक बैग के साथ कोई वस्तु जो कि काफी भारी मात्रा में है वो लेकर कहीं बॉर्डर इलाके से बस स्टैंड की तरफ आ रहे हैं। लिहाजा जब वहां पर नाकाबंदी की गई और जब हमने सर्च की तो दो एक संदिग्ध व्यक्ति हमने उसमें से गिरफ्तार किया। उससे जब तलाशी ली गई तो उस सामान की जब हमने शिनाख्त की, उस सामान की हमने नवीन पता की वो किस तरह की चीज है, तो हमें ये पता लगा कि बेसिकली वो एक बहुत ही उमदा किस्म की हीरोइन है और करीब करीब 33 किलो उसका वेट है और करके उसकी जो एक मालियत के साथ अगर हम कहें तो 33 करोड़ तो बनती है बट उसकी मालियत ज्यादा भी हो सकती है संदर्भ में। और इसमें अभी हमने एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है और बाकी अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन में अभी इन्वेस्टिगेशन चूंकि जारी है तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे जम्मू प्रांत के सभी जिलों में हमने एक मुहिम और भी शुरू की है जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो कि ड्रग पेडलर्स से जो इन्होंने ड्रग के संदर्भ में प्रॉपर्टी एक्वायर की है उस पैसे से उसकी भी हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन काफी सारे जिलों में की है। तो पुंछ के जिले में करीब करीब 40 लाख की मालियत की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। रजौरी में करीब 4 करोड़ के आसपास की मालियत की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। कठुआ में करीब 70 लाख, सामा में करीब 1 करोड़ और रियासी में करीब 24 लाख और जम्मू में करीब करीब 8 करोड़ के आसपास, तो कुल 14 करोड़ के आसपास मालियत की प्रॉपर्टियां जो है वो भी हाल में अटैच हुई है। और अभी चूंकि ये जो केस है इसका इन्वेस्टिगेशन अभी जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है लिहाजा इसमें भी फर्दर आगे और कार्रवाई होगी। तो ये हमारी बड़ी कामयाबी रही है। तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है बालिग नाबालिग, तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगा कि क्या उसकी उम्र है। तो लिहाजा संदर्भ में जो है गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं और जैसे लोकल भी हमने अरेस्ट किए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब से गिरफ्तारी हुई है, बट ये चूंकि एक ट्रांजिट रूट भी है और कंजम्पशन रूट भी है तो उसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन अभी है। तो इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा कि इसमें उसकी नवीयत क्या है, वो कैसे आया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर ड्रग पेडलिंग, ड्रग पेडलिंग के खिलाफ पीएसए सिर्फ एक हिस्सा है लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन भी है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस की, उसमें रिकवरी है, उसमें अरेस्ट है, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट है, उसमें डिटेक्शन का मामला भी है। लिहाजा ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज की तरह काम करता है। जो जम्मू में हमने पीएसए में एनडीपीएस में किए हैं वो हमारे पास आंकड़े हैं, तो 23 लोग हमने फिट एनडीपीएस में जम्मू सांबा कठुआ में उनको फिट एनडीपीएस में लगाकर अंदर मुहिम जो है वो पूरे जोन में जा रही है। अभी गिरफ्तारी और भी होंगी इसमें जो भी आप इसमें हम कहेंगे तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि फर्दर इसमें कार्रवाई क्या होगी। ठीक है, थैंक यू।